एवरीवन, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पार्टीशन फंक्शन फॉर अ गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, तो पार्टीशन फंक्शन इससे पहले हम कर चुके हैं, अब उसी का थोड़ा सा लॉजिक यहाँ यूज करना है गैस मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, क्योंकि इससे पहले पार्टीशन फंक्शन हम फेज स्पेस फेज सेल में हम बात किए थे, तो पार्टीशन फंक्शन यहाँ पर जो हम लोग बात करने वाले हैं वो क्या है। क्लासिकली फॉर्म से एक मॉलिक्यूल का एक जो स्ट्रक्चरलेस आइडेंटिटी माना गया है, ये तो आपको पता ही होगा कि क्लासिकली फॉर्म में मॉलिक्यूल्स को एक स्ट्रक्चरलेस आइडेंटिटी माना गया है। और गैस मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी प्रैक्टिकली जो होती है इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होती है। ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होना चाहिए कि क्लासिकल फॉर्म में मॉलिक्यूल का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, एक स्ट्रक्चरलेस आइडेंटिटी है। इसलिए गैस मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी प्रैक्टिकली इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होता है। यानी कि जो क्लासिकल ट्रीटमेंट है, उस क्लासिकल ट्रीटमेंट में एनर्जी स्टेट की डिस्ट्रीब्यूशन को निरंतर कंटिन्यूअस माना जाता है। ये सारी चीज़ें हम पुरानी इन्फॉर्मेशन आपको बता रहे हैं। तो अगर हम क्लासिकल ट्रीटमेंट में एनर्जी स्टेट के डिस्ट्रीब्यूशन को निरंतर कंटिन्यूअस माना जाता है, और अगर हम ये मानते हैं, तो मोमेंटम रेंज पी और पी प्लस डेल पी के में एनर्जी स्टेट की जो नंबर लिख सकते हैं वो क्या लिखेंगे। अगर हम मोमेंटम रेंज पी से पी प्लस डी पी के बीच में एनर्जी स्टेट का नंबर लिख सकते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं उसका नंबर। तो उसका नंबर हम लिख सकते हैं जी और पी डी पी और इज इक्वल टू वी इंटू 4P² dP अपॉन कितना लिखेंगे, h³, ये लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे ये सारी बातें आपको हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, लेकिन अच्छा मैंने जो आपको समझाया वो बात भी मैं आपको नोट करा दूं कि क्या है वो चीज़। ठीक है, तो हमने जो आपको बताया वही हमने लिख दिया कि क्लासिकली फॉर्म में मॉलिक्यूल्स को एक स्ट्रक्चरलेस आइडेंटिटी माना जाता है। और फिर इसके एवज में अगर हम कहें कि प्रैक्टिकली किसी मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी होती है, वो किसके इक्वल होती है, सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के बराबर होती है। क्लासिकल ट्रीटमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी स्टेट अगर हमें कंसीडर करना है, तो उसको कंसीडर हम कैसे करते हैं, कंटिन्यूअस कंसीडर करते हैं। और नंबर ऑफ एनर्जी लेवल अगर उस कंटिन्यूअस एरिया की अगर हम बात करें, कंटिन्यूअस एनर्जी की अगर बात करें, तो उसमें अगर नंबर ऑफ एनर्जी लेवल हमको कैलकुलेट करना होता है, तो हम मोमेंटम रेंज पी से पी प्लस डेल पी के बीच में कैलकुलेट करना होता है। और उसका फार्मूला कुछ इस तरीके से होता है, जी पी डी पी वी और 4π P² dP/h³। अच्छा, मोमेंटम का फार्मूला भी आप जानते हैं कि मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, तो वो चीज़ भी यहाँ पर मोमेंटम के फार्मूले से हम डी पी की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर पुट करेंगे और कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। चलो तो देखते हैं क्या होगा कि देयर फॉर द नंबर ऑफ एनर्जी लेवल बिटवीन द एनर्जी ई एंड ई प्लस डेल ई नाउ, या हम ऐसे कह लें कि मान लो कि ये एक हमने एक स्फेयर लिया है, या हम कह लेते हैं कि एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में हमने मॉलिक्यूल्स भर लिया, और मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो होगी वो हम मान लेते हैं कि मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ई से और ई प्लस डेल ई के बीच में है। तो हमने क्या किया, ई रेंज की एक हमने स्फेयर ले लिया, और फिर हमने एक दूसरा स्फेयर लिया, और जिसमें हमने क्या किया है, एक ई प्लस डेल ई रेंज का हमने क्या किया है, एक हमने स्फेयर लिया है, एक का स्फेयर का रेडियस ई है और दूसरे स्फेयर का रेडियस ई प्लस डेल ई है, और इसी के बीच में हमको देखना है कि कितने नंबर ऑफ एनर्जी लेवल हैं, कितने नंबर ऑफ एनर्जी लेवल हैं, यही हमको चेक करना है। तो उसके लिए हमने ये फार्मूला लिख दिया, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल का ये फार्मूला होता है, और ये हमारा मोमेंटम स्पेस के टर्म में एनर्जी कैलकुलेट हो रहा है। अब आप क्या करोगे, इसको एक बार आप क्या करो कि डिफरेंशिएट कर लो। अगर इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो P² = 2ME है, तो ये 2P और dP हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 2M और ये हो जाएगा dE हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये dE हो जाएगा, हमने इसको डिफरेंशिएट किया। dP = 2M और dE और अपान में क्या हो जाएगा, ये 2P हो जाएगा, और अब यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और dP = क्या मिलेगा, M और dE और अपान में P।
बेटे यहाँ से पी की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट टू एम और ए। दिस वैल्यू इज पुट इन दिस इक्वेशन वी विल गेट डी पी इज इक्वल टू एम अपॉन अंडर रूट टू एम ई और इंटू डी ई हो जाएगा। और ये वैल्यू अब हमको क्या करना है, पुट करना है इस वाले इक्वेशन के अंदर, जो नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स जो निकल कर आ रहा है, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स लेवल जो निकल कर आ रहा है। तो जी पी और डी पी इज इक्वल टू आपका जो फार्मूला है वो वी इंटू फोर पाई पी स्क्वायर और डी पी अपान क्या है ये एच क्यूब है। यहीं पर ये वैल्यू रखो तो वी और यहाँ पर फोर पाई पी स्क्वायर की जगह पर टू एम ई रखना है और डी पी की जगह पर ये वैल्यू रखनी है एम अपान अंडर रूट टू एम ई, अभी कैलकुलेट किया है, और डी पी को डी ई और डी पी एज इट इज रहने वाला है। नहीं एक मिनट रुको 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 रुको, डी पी की जगह पर तो ये वैल्यू रख रहे हैं ना, तो डी पी कहाँ रहेगा यहाँ, और यहाँ पर क्या निकल कर आएगा एच क्यूब निकल कर आएगा, ये वैल्यू निकल कर आएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको अब सही कर लेते हैं और देखने में ताकि अरेंजमेंट बढ़िया लगे, तो फोर पाई हो जाएगा और फोर पाई हो जाएगा और एम हो जाएगा, ये फोर पाई एम हो जाएगा, एम ना होकर एम स्क्वायर हो जाएगा, एक एम यहाँ एक एम यहाँ हो जाएगा, तो फोर और ये फोर पाई भी नहीं होगा एट पाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये एट पाई हो जाएगा। तो एट पाई एम स्क्वायर और वी और ई डी ई और अपान में क्या मिलेगा हमको एच क्यूब और अंडर रूट टू एम ई, ये मिलेगा हमको इक्वेशन। ठीक है, यही इक्वेशन मिलेगा हमको। आगे इसको क्या लिख सकते हो, एट पाई एम स्क्वायर, एट पाई एम स्क्वायर वी और ई डी ई, ई डी ई और नहीं चलो ठीक है, इसी क्वेश्चन से काम बनाने की कोशिश करेंगे, इसी क्वेश्चन से काम बनाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। तो जी पी और डी पी सॉल्व करेंगे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सबको रूट के अंदर लाना है और थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो अगर हम इसको टू का स्क्वायर कर लें और एक टू बाहर कर लें और पाई को एज इट इज रखें और एम स्क्वायर ऐसे रखें और वी है और ई है और डी ई है, और जैसे जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हम करना चाह रहे हैं। तो एच क्यूब हो गया और यहाँ से देखो 2m की पावर 1/2 कर रहे हैं और e की पावर 1/2 कर रहे हैं, जो ये अंडर रूट में था ना 2m ही, उसको थोड़ा सा सॉल्व किया है। अब क्या करेंगे आगे सॉल्व करने के लिए, 2π तो एज इट इज रखेंगे और v को एज इट इज रखना है हमको और h क्यूब को एज इट इज रखना है। क्या करना है हमको सॉल्व, देखो 2 का स्क्वायर है m का स्क्वायर है तो इसको हम 2m स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, और 2m स्क्वायर ये हो गया और e और de को एज इट इज रखना है हमको। ठीक है, और अब क्या करना है 2m का पावर 1/2 और e की पावर 1/2, अब इसी को सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना, इसी को सॉल्व करो और एक बार वैल्यू पुट करना है बस। अब 2π और v को ऐसे रखो h क्यूब हो गया और 2m की पावर 2 है और -1/2 है और e की पावर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है और ये ऊपर जाएगा ये वाला पावर तो 1/2 हो जाएगा और de हो गया। अब 2π और v अपान h क्यूब एज इट इज रहेगा और 2m की पावर, अब देखो 2 में से 1/2 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 5-1, देखो ये 2-1/2 तो 2 2 जब 4 -1/2 ये 3/2 हो जाएगा, तो ये 3/2 हो जाएगा और e की पावर 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा और de हो जाएगा, ये de हो जाएगा, ये इतनी वैल्यू मिलेगी हमको। ठीक है, और ये किसके इक्वल टू आ रहा है जी पी और ये हमने एनर्जी के टर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया ना, मोमेंटम को एनर्जी की टर्म में जब कन्वर्ट कर दिया हमने इसको, देखो जब हमने मोमेंटम की जगह पर एनर्जी ले लिया तो ये पूरा ये टर्म तो जी पी इज इक्वल टू डी पी होगा ही, ये वाला जो टर्म है अब ये हो गया है जी और ई और डी ई इक्वल टू हो गया है, ये टर्म अब मोमेंटम हमने एनर्जी के टर्म में कन्वर्ट कर लिया है तो ये हमारा टर्म हो जाएगा
एनर्जी लेवल हो जाएगा, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो नंबर ऑफ एनर्जी लेवल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मोमेंटम के टर्म में हमने मोमेंटम को एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन मिल गया, ये इक्वेशन मिल गया हमारे पास। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं हम, अब क्या करने वाले हैं, हमें ये तो इक्वेशन हमको मिल गया, ये इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं, इस इक्वेशन को वन, इस इक्वेशन को वन नाम देते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, ठीक, तो इस इक्वेशन में आगे क्या करेंगे, सिंस हेयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, सिंस हेयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, ये मिल तो गया हमको ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, सिंस हेयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी स्टेट इज कंटिन्यूअस, अगर एनर्जी स्टेट कैसा है, कंटिन्यूअस है, सिंस हेयर द एनर्जी स्टेट इज कंटिन्यूअस, तो इक्वेशन जो होगा ना हमारा, वो इक्वेशन ये वाला जो है, ये इक्वेशन थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करेंगे, ये इक्वेशन क्या करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, और इस इक्वेशन को हम नाम दे रहे हैं जी आई। ये इक्वेशन को याद रखना कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कैसा है, कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस की कंडीशन में ये हमारा क्या निकल कर आया है, ये हमारा क्या निकल कर आया है, ये निकल कर आया है नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, कितना क्या निकल कर आया है, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, जिसको हम जी आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और एनर्जी रेंज इसकी क्या है, एनर्जी रेंज इसकी ई टू ई प्लस डेल ई है, इतना एनर्जी रेंज के अंदर नंबर ऑफ एनर्जी लेवल निकल कर आ गया है, और एनर्जी कंटिन्यूअस माना है, और अगर आप एनर्जी कंटिन्यूअस माने हैं तो एक फार्मूला आपको हमने को पीछे पढ़ाया था हमने, और वो क्या था, पार्टीशन फंक्शन था, उसको हम यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या होगा कि मतलब हम यह बता दें आपको कि चूंकि एनर्जी यहाँ एनर्जी ऊर्जा स्टेट का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है, तो हम वो फार्मूला यूज कर लेंगे, और उस फार्मूले को यूज करने से पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा उसको डेरिवेट ही कर लेंगे, उसको डेरिवेट करके चलेंगे। एन आई इज इक्वल टू ए और जी आई और ई टू दी पावर माइनस बीटा ई आई हो जाएगा, ई आई या ई हम लिख रहे हैं। ठीक है, ई आई नहीं लिख रहे हैं, ई लिख रहे हैं केवल। जी आई क्या है, जी आई आपको बताए हैं पहले, जहाँ पर डी जेनरेसी है या हम इसी को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल इन द रेंज ई टू ई प्लस डी, इतने के अंदर ये एनर्जी लेवल का नंबर है। अब टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल अगर हमें निकालना हो तो क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल अगर हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स अगर निकालना है तो हम सिग्मा लगा लेंगे, एन आई कर लेंगे, और सिग्मा ए और जी आई, और ये कितना हो जाएगा, इसको स्मॉल एन आई कर लो, ठीक है, और ई टू दी पावर माइनस बीटा ई, ये हो जाएगा। और अब जब ये सिग्मा लगा लिए हो तो ये आपको हर एक सेल का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐड कर करके ये क्या दे देगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे देगा, क्या दे देगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे देगा ए, और सिग्मा और जी आई और ई टू दी पावर माइनस बीटा ई आ जाएगा ये आपको। अब आप इसको अगर देखोगे तो एन अपान कैपिटल ए कर लो और सिग्मा जी आई और ई टू दी पावर माइनस बीटा ई, ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा जी, अब क्या होगा, आगे सॉल्व कर लो आप, यही तो आप बोलते थे कि पार्टीशन फंक्शन है, यही तो जिसको जेड से रिप्रेजेंट करते थे, तो जेड जी आई और ई टू दी पावर माइनस बीटा ई, ये आपको मिल गया। हम चाहते तो हमने कहा था कि डायरेक्ट पार्टीशन फंक्शन का फार्मूला लगा लें, चाहते तो डायरेक्ट मैं ये इक्वेशन लिख सकता था, क्योंकि इस पर एक सेपरेट लेक्चर मैंने कर रखा है और ये फार्मूला मैंने बता रखा है, लेकिन मैंने सोचा लो करके दिखा दें आपको कि ये चीज़ ऐसे यहाँ से आती है। ठीक है, अच्छा जी आई की वैल्यू भी तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमने जी आई की वैल्यू यहाँ पर ये कैलकुलेट कर ली है, तो जी आई की वैल्यू क्या हो सकती है, तो जी आई की वैल्यू हमने बता रखी है, जी आई की वैल्यू कितनी होती है, तो वो वैल्यू होती है जी ई और इंटू डी ई,
कितनी होती है, जी और ई और इंटू डी ई, ये वैल्यू होती है। तो यहाँ पर जेड इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सिग्मा और जी ई और डी ई लिख सकते हैं, और ई टू दी पावर माइनस बीटा ई। और एक बात बता दें, इस सिग्मा को हम एक बड़ी वैल्यू में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन का सिंबल भी यूज कर सकते हैं, जीरो से इन्फिनिटी, और जी ई, और हमने कन्वर्ट कर लिया इसको, और ई टू दी पावर कितना हो जाएगा, माइनस बीटा ई, ये वैल्यू में हमने कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो इतना हमने कर लिया है यहाँ पर। और अब एक चीज़ आपको बता दें कि आप इसकी वैल्यू भी जानते हैं, कितनी बड़ी वैल्यू है उसकी, ये वाली वैल्यू है, क्या है वैल्यू, वो 2πv/h³, ये वैल्यू है h³, और 2m³ 3/2 और e⁻¹² और dE, ये किसकी वैल्यू है, ये जी ई और डी ई की वैल्यू है, यही वैल्यू है, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखा है। यही वैल्यू क्या करना है आपको, यही वैल्यू यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर लेना है। जब ये वैल्यू इंट्रोड्यूस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, जीरो से इन्फिनिटी मिलेगा, और 2π और v और h³ और 2m³ और e⁻¹² और डी ई, ये वैल्यू हमने रखा, और e⁻¹β। अब इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, अरेंज करना है हमको, तो जेड इक्वल टू जो वैल्यू कांस्टेंट है उसको बाहर कर लो आप, तो 2π कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, h³ कांस्टेंट है, और क्या कांस्टेंट है, 2m³ कांस्टेंट है, 0 से ∞ चलेंगे, और e⁻¹² और e⁻¹β और डी ई, ये कांस्टेंट नहीं है, ये एक रेंज में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये वैल्यू ऐसे ही रखेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 2π और v/h³ तो ऐसे ही रहेगा, 2m³ ये कांस्टेंट एज अ ट्रीट होगा, ऐसे ही रहने वाला है। और इसके लिए फार्मूला लिख देता हूँ कि 0 से ∞ e⁻¹² और e⁻¹kt और de की जो वैल्यू है, अच्छा kt कहाँ से आया ये भी मैं बता दूँ आपको, बीटा की वैल्यू 1/kt होता है, मैं लिख ही लेता हूँ, 0 to ∞ e⁻¹² और e⁻¹ कितना हो जाएगा, ये स्मॉल ई कैसे हो गया, अच्छा ठीक है, ठीक, और ये स्मॉल ई कैसे हो, ये तो कैपिटल ई है ना, ठीक है, तो e⁻¹, यहाँ बीटा की वैल्यू रखो, तो 1/ कितना हो जाएगा, e⁻¹ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, kt हो जाएगा, और de, तो ये अगर आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर ये आपको मिलेगा √π/2 और kt³/2, ये फार्मूले से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, और फार्मूला मैं बता देता हूँ क्या होता है, तो इसका फार्मूला कुछ इस तरीके से होता है, 1/2√π/α³ (1/3), अल्फा की जहाँ पर वैल्यू है वो वैल्यू 1/kt के रूप में है। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पर समझ लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू हमको मिल जाएगी, अप्रॉक्सीमेटली ऐसे कुछ होगा सॉल्व करेंगे तो। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व क्या करें, तो ये वैल्यू हमको पता ही चल गई कि इतनी होती है ये वैल्यू, जब इतनी होती है तो इसकी वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू रखोगे इक्वेशन में तो इक्वेशन आपको क्या मिलेगा, देखो क्या मिलेगा, 2πv एज इट इज रहेगा और h³ रहेगा और 2m³³ रहेगी, ये रहेगा, और √π एज इट इज है और 1/2, यहाँ जो 1/2 है यहाँ पर आ जाता है √π, और α³ 3/2 होती है तो kt, और ये 3/2 हो जाएगा। ठीक है, e के टर्म में होता है तो अल्फ़ा की वैल्यू 1/kt ही होती है। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू kt है, 1/t नहीं, kt नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 2πv/h³ और यहाँ से हम 2, और इसको अगर हम सॉल्व करें कि 2m³³ और देखो kt की वैल्यू भी 3/2 है, तो kt की वैल्यू भी 3/2 है, सबकी 3/2 हो गई, और √π/2, अब इसको सॉल्व करें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
और पाई को जरा ध्यान से देखो तो पाई की वैल्यू भी हमें लग रहा है कि 3/2 ही है। देखो 2m और kt और 3/2 हो गया और पाई एक बचा हुआ है और यहाँ पर पाई की वैल्यू एक है और यहाँ पर 1/2 है तो 1/2 हो जाएगा ये। तो v इक्वल टू एच क्यूब और 2m kt और पाई की वैल्यू भी हो गई है अगर 3/2 तो 2πmkt की वैल्यू 3/2 हो गई, ये 3/2 हो गई तो ये वैल्यू आ गई आपकी। तो अब आपको जो z इक्वल टू मिला वो क्या मिला, v अपान एच क्यूब। z इक्वल टू क्या मिला आपको, z इक्वल टू आपको मिला v अपान एच क्यूब और 2πmkt की पावर 3/2, यही वैल्यू मिली आपको 3/2। तो दिस इज़ द डेरिवेशन ऑफ, किसका डेरिवेशन मिला है आपको, ये हेडिंग है आपकी डेरिवेशन का, ये पार्टीशन फंक्शन फॉर अ गैस मॉलिक्यूल, इसका डेरिवेशन आपको मिला, पार्टीशन फंक्शन ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल्स का, यही आपको फाइनल आंसर मिलेगा। ठीक है, अब ये जो इस रिजल्ट आया, इस रिजल्ट को कहेंगे क्या, रिजल्ट को क्या बोलेंगे आप इस रिजल्ट को, तो दिस इक्वेशन, दिस इक्वेशन गिवन या गिव्स द ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन, यही है ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन फॉर अ गैस मॉलिक्यूल, यही है। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन ऑफ फॉर अ गैस मॉलिक्यूल, ये इक्वेशन है। इस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं और वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इसको यहीं पर छोड़ते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उस पर न्यूमेरिकल बेस्ड न्यूमेरिकल करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू बेटा।